Sri P. Chidambaram, Sri P. Chidambaram. Not speaking. Not speaking. Okay. Then Sri Narayan Lal Pancharia. धन्यवाद सभापति महोदय. सर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि पिछले दो दिन से जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पर सदन में बहुत ही सारगर्भित और सकारात्मक चर्चा हो रही है. श्रीमान, हम सभी जानते हैं कि इस देश में कर व्यवस्था लागू हुए और उसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए, बहुत समय हुआ. दो तरह के कर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, देश में लिए जाते हैं. सर, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए आवश्यक है कि आम जनता को करों के बोझ से मुक्ति मिले, मुद्रास्फीति नियंत्रित हो तथा जन कल्याणकारी विकास कार्यों हेतु राजकोष में पर्याप्त धन का आगमन हो. सर, जीएसटी इस दिशा में मेरी राय में निश्चित रूप से एक प्रगतिशील कदम है. सर, हम सभी जानते हैं कि जीएसटी की बुनियाद आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री तो काल में रखी गई थी. आजादी के बाद में देश में एक कर प्रणाली लागू हो, यह निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी जी की हमारी सरकार ने लिया था. सर, 2004 में यूपीए की सरकार बन गई और उधर विराजमान मेरे साथी इस तरफ आ गए. निश्चित तौर पर उन्होंने भी जीएसटी को कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें पूर्णता हासिल नहीं की, सफलता नहीं मिली, क्योंकि जीएसटी के बारे में न तो उनकी कोई नीति स्पष्ट थी और न ही सबको साथ लेकर बाधाओं से संघर्ष करके और आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकाल पाए. सर, मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी सहित उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा की और बाधाओं की छाती पर पांव रखकर जीएसटी को पूर्णता की ओर ले गए और लोकसभा में इसे पारित करवाया. सर, देश को आजाद हुए 70 वर्ष हो गए. आज तक देश में अंग्रेजों की कर प्रणाली चल रही है. आर्थिक रूप से गुलाम देश आज तक रहा. सर, हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली है, पूरे सदन के सांसद सौभाग्यशाली इस बात के लिए है सर कि अंग्रेजों की कर प्रणाली से मुक्ति दिलाने का कार्य हम सभी मिलकर आज पूर्ण करने जा रहे हैं. अब भारतवर्ष अंग्रेजों की कर प्रणाली से नहीं चलेगा. इस देश में कर प्रणाली आचार्य चाणक्य की स्वदेशी प्रणाली जीएसटी के रूप में अब इस देश में चलेगी. सर, मुझे चाणक्य का नाम लेते ही एक संस्मरण मेरे मस्तिष्क में आया है, मैं आपकी अनुमति से शेयर करना चाहूंगा. सर, एक बार की घटना है. सम्राट चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य में बड़ा भारी विभत हो गया एक बात को लेकर के. वो ये थी कि चाणक्य चाह रहे थे कि टैक्स बढ़े और आचार्य जी ने कहा, चाणक्य जी ने, कि नहीं, टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए. सर, उस समय आचार्य जी ने कहा चंद्रगुप्त को कि आप टैक्स क्यों बढ़ाना चाह रहे हो, तो साफ जवाब था कि टैक्स बढ़ेगा, राजस्व की आमदनी होगी, मैं जनता के विकास के काम करूंगा, जन सेवा भी अच्छी तरह से कर पाऊंगा. लेकिन स्पष्ट शब्दों में
चाणक्य ने उस समय कहा था, उस समय ये कहा कि टैक्स बढ़ाने से राजस्व नहीं बढ़ेगा, राजस्व निश्चित तौर से घटेगा और अगर बढ़ेगा तो मात्र भ्रष्टाचार बढ़ेगा। चाणक्य ने बात मान ली और एक वर्ष के पश्चात जब उसका समीक्षा और किया गया राजस्व की, तो ये बताया गया है, इतिहास में लिखा है कि उस समय राजस्व 400 गुना बढ़ गया। सर, हमारे देश में अंग्रेजों की कर प्रणाली चलते धन की तो एक व्याख्या ही, परिभाषा ही बदल गई। अब धन है काला धन हो गया, कुछ हमारा सफेद धन हो गया। सर, यह बात सही है कि काले धन की जननी भ्रष्टाचार है। अभी तक हमारे देश में विभिन्न प्रकार के टैक्स अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग विभाग पर बहुत बड़ी फौज मिलकर के देश और पूरे प्रदेशों में कर संग्रह का कार्य चल रहा है। सर, हमें यह भी पता है जब हम हाईवे पर चलते हैं तो जैसे ही एक स्टेट पूरा हुआ, दूसरे स्टेट में जैसे हम प्रविष्टि करते हैं तो वहां पर बड़ी बड़ी चेक पोस्टें लगी रहती है, कर संग्रह के ऑफिस लगे रहते हैं। और तो और, हम यहां तक देखते हैं कि ट्रकों की बहुत बड़ी लाइन दोनों तरफ लगी रहती है बॉर्डर पर। ऐसा दृश्य आपने और हमने सबने देखा है। सर, वहां पर ऐसे चेक पोस्टों पर चपरासी से लेकर सबसे बड़े इंस्पेक्टर और जो अधिकारी है, वो सारे के सारे अभी तक पोस्टिंग पाने के लिए भी उनको कई तरह के रास्ते अपनाने पड़ते रहे हैं। भ्रष्टाचार रूपी राक्षस का जन्म स्थल मैं यहां तक कहूंगा कि वो चेक पोस्ट बन चुके हैं। सर, जीएसटी लागू होने से इन सभी स्थानों पर पैदा होने वाला भ्रष्टाचार समाप्त होगा, काले धन पर रोक लगेगी। सर, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी के सहयोग से जीएसटी लागू होने के पश्चात जनता स्वयं इतना राजस्व देगी कि कई गुना ज्यादा हमारा राजस्व सालाना भारत सरकार का और राज्य सरकारों का हो जाएगा। और तो और, धन की परिभाषा काला सफेद धन की समाप्ति होगी, धन जो है केवल धन ही रहने वाला रहेगा। सर, कर संग्रह में भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए हमारे वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय किया है। जीएसटी के अंदर एक प्रावधान किया है, जीएसटी में डीलर सभी, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे टैक्स पेमेंट की हो, चाहे रिटर्न फाइल करने हो, चाहे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना हो, सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन होने की व्यवस्था कर रखी है। सर, व्यापारियों को जगह जगह पर ऑफिसों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अभी हालात देश में सत्यता यह है कि ऑफिसों में जब टैक्स का भुगतान करने जाते थे तो ऊपर का भुगतान और नीचे का भुगतान, इस तरह की बातें आम चर्चा का विषय इस देश के अंदर चल रही है। तो मैं सोचता हूं टैक्स संग्रह में पारदर्शिता आएगी, सभी कार्य निश्चित रूप से समय सीमा के अंदर पूर्ण होंगे, सरकारों का राजकोष भी निश्चित ही जीएसटी लागू होने के बाद में बनने वाला है। सर, मेरे किसी साथी ने एक शंका व्यक्त की, उन्होंने कहा कि जीएसटी आने के बाद में महंगाई बढ़ जाएगी देश में। सर, मैं बताना चाहूंगा, अगर वो कोई राजनीतिक कारणों से बोले हैं तो उसमें मुझे कोई हर्ज नहीं, लेकिन जीएसटी जैसा एक ऐसा विषय जिससे गांव को, गरीब को, किसान को, चाहे वो दलित हो चाहे युवा हो, सबको बहुत बड़ा लाभ जो है इससे मिलने वाला है, इसलिए सत्यता को स्वीकार कर लेना ही मैं सोचता हूं अच्छा रहेगा। महंगाई बढ़ेगी नहीं, महंगाई कम होगी, क्योंकि जीएसटी में आवश्यक चीजें व फूड आइटम पर 0% स्लैब के अंदर रखा गया है। उसके साथ ही हमारे वित्त मंत्री जी ने यह पूर्णतः आश्वासन भी दिया है, बोले भी है, और वो कहते हैं कि सरकार महंगाई पर पूर्ण तैयार नजर रखेगी जीएसटी लागू होने के पश्चात। साथ ही जीएसटी काउंसिल भी ये देखेगी कि आवश्यक वस्तुओं के दाम जो है बढ़ने नहीं चाहिए। सर, हम सबका मत रहा है और रहेगा भी, देश की एकता और अखंडता,
एक भारत हो और श्रेष्ठ भारत हो, ऐसा सपना हम सभी का है सर। सर, जीएसटी लागू होने से पूरे देश में एक समान राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा, स्थानीय निकायों का भी जिक्र कल आया था, वित्तीय सशक्तिकरण भी होगा। सर, जीएसटी टीम भारत द्वारा लिया गया एक पारदर्शी एवं परिवर्तनशाली कदम है। इसमें छोटे उत्पादकों को, छोटे व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी भी दी गई है। सर, भारत में अभी कर अनुपात का स्तर काफी कम है। जीएसटी लागू होने से कर वसूली बढ़ेगी और कर पर कर जो लगने की प्रथा है वो पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। एक बहुत बड़ी सुविधा इससे होने वाली है। बहुत से ऐसे हमारे स्टेट है जहां पर आर्थिक रूप से वो पिछड़े हुए राज्य है, तो वहां पर भी राजस्व की वृद्धि होने वाली है। सर, हमारी जीएसटी दुनिया में सबसे सरल प्रणाली होगी। इसमें व्यवस्था संचालन की लागत भी कम होगी, जिससे बचत बढ़ेगी और वो जो है विकास के कार्य, जन कल्याणकारी कार्य भी उससे किए जा सकेंगे। जीएसटी के सुखद परिणाम अभी हमें पता नहीं, बहुत बड़े सुखद परिणाम आने वाले समय में हमें मिलने लगेंगे। भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलने के साथ ही काले धन पर भी रोक लगेगी, साथ ही जीएसटी देश के निर्यात को भी बढ़ाएगी। क्योंकि अभी हमारे देश की स्थिति अगर हम देखें तो बहुत ही, विश्व के स्तर पर देखेंगे तो आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। जीएसटी लागू होने के पश्चात निश्चित ही हम भी उन विकासशील देशों के साथ, एकदम 3-4-5 नंबर के देश है उसके साथ पहुंच जाएंगे। एक बहुत बड़ा लाभ सर जीएसटी से मिला है। मैं अरुण जी को, आदरणीय जेटली जी को धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए भी, इन्होंने किसानों के लिए भी ख्याल किया है और क्लॉज 23 में एक स्पष्ट प्रावधान कर दिया है कि किसान जीएसटी रजिस्ट्रेशन से मुक्त रहेंगे, उन्हें छूट रहेगी, कितनी भी आय क्यों न हो जीएसटी से किसानों को मुक्त रखा गया है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हिम्मत और हौसले को नमन करना चाहूंगा। उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर कठोर व सुधारात्मक निर्णय लिए हैं। साथ ही सर, मुझे जहां तक ज्ञात है, जीएसटी परिषद देश का संघीय संस्थान, पहला संघीय संस्थान है जो सर्वसम्मति से गठित किया गया है। हमारे वित्त मंत्री जी श्री अरुण जेटली जी के कुशल नेतृत्व में और सभी दलों के नेताओं के सकारात्मक सहयोग से ही यह जो कार्य असंभव सा लगने वाला कार्य संभव होता नजर आ रहा है। सर, अंत में मैं एक बात कहकर अपनी बात को पूरी करूंगा। सर, जुलाई 17 में हमारे देश में नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली व्यवस्था लागू होने वाली है, जो व्यापारियों को, उपभोक्ताओं को और सरकार को, तीनों के लिए मैं सोचता हूं बहुत बड़ा लाभकारी ये व्यवस्था रहने वाली है। व्यापारियों को एक सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था मिलने वाली है। जहां तक उपभोक्ताओं का प्रश्न है सर, उपभोक्ताओं पर से अप्रत्यक्ष कर का बोझ घटेगा, जिससे आवश्यक वस्तुओं के दाम कम होंगे, महंगाई भी कम होगी। सर, सरकार के बारे में देखें तो सरकार को बेहतर अनुपालन से राजस्व में वृद्धि होगी, देश का विकास भी होगा। श्रीमान जी, मुझे पूरी आशा है कि इस ऐतिहासिक और लोकतांत्रिक विषय पर सभी सहयोगी दल सहयोग देंगे और संपूर्ण सदन इस बिल को एक मत से पारित करेंगे। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। धन्यवाद श्री विजय।